तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं विश्व के पांच खतरनाक आइलैंड के बारे में जानकारी। आइलैंड अर्थात द्वीप या चारों ओर जल से घिरा टापू। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। विश्व में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 2 लाख से अधिक आइलैंड है। भारत में ही लगभग 1000 से ज़्यादा आइलैंड है। तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं। तो दोस्तों उन देशों में हज़ारों छोटे बड़े द्वीप हैं, परंतु हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पांच द्वीपों के बारे में। अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है इल्हादा क्विमाडा आइलैंड, ब्राजील। इल्हादा क्विमाडा या क्विमाडा का दूसरा नाम स्नेक आइलैंड अर्थात सांपों का द्वीप है। ब्राजील का यह द्वीप हजारों गोल्डन लांस हेड वाइपर्स का घर है। यह दुनिया की सबसे जहरीली प्रजाति का खतरनाक सांप है। इसके फुफकार करने से ही इंसान का मांस गलने लगता है। यहाँ जिसने भी जाने की कोशिश की वह जिंदा लौट कर नहीं आया। ब्राज़ील की नौसेना ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि कई लोग यहाँ अपनी रिस्क पर घूम फिर कर आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है रामली आइलैंड, म्यांमार। यदि आप असंख्य मगरमच्छ देखना चाहते हो तो बर्मा के रामली आइलैंड पर पहुंच जाए, जिसे मगरमच्छों का आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ खारे पानी के कई जिले हैं जो खतरनाक मगरमच्छों से भरी पड़ी है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इस द्वीप पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों ने सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है लुसोन आइलैंड, फिलीपींस। इस आइलैंड को खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखी ताल वोल्केन के कारण जाना जाता है। इसके क्रेटर के एक ज्वालामुखी झील है जो ताल झील कहलाती है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन पर्यटकों को पहले से ही यह चेतावनी दी जाती है कि अब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। हाल ही में ऐसा हुआ था और जिसके बाद आसपास के इलाकों को आनन फानन में खाली करा लिया गया था। तो दोस्तों आखिर में हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है सबा आइलैंड, नेदरलैंड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेदरलैंड के सबा नाम का आइलैंड पर दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री तूफान आते हैं। इस तूफान की वजह से आइलैंड के आसपास कई जहाज टूटकर डूब गए हैं। यही आपको तूफानों को मजा लेना चाहते हो और ख़तरा उठाने के लिए तैयार हो तो महज 13 वर्ग किलोमीटर में फैले इस समुद्र के टापू पर जा सकते हैं। फिलहाल इस आइलैंड पर 2000 के करीब लोग रहते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।